हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे एक रिक्रूटमेंट से जुड़े नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा आपके सामने है, HPSC द्वारा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पद इसमें PGT लेवल के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट 3069, आवेदन स्टार्ट है 25 जुलाई से, लास्ट जो डेट है वो है 14 अगस्त जी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह के रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। तो HPSC द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है 3000 से भी ज़्यादा पद के लिए। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वेरीफाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो इसमें 10th प्लस हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट इसके साथ साथ होनी चाहिए, या प्लस टू है, या बैचलर मास्टर डिग्री अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज रिक्वायरमेंट की गई है। और उसके साथ साथ HTET एग्ज़ाम या CTET एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी है 47,000 से लेकर 1.5 लाख से भी ज़्यादा सैलरी है पर मंथ। और फीस की बात करें तो जनरल और OBC के लिए 1,000, वहीं SC ST के लिए 250 है। सिलेक्शन जो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। एज की बात करें तो इसमें मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 42 है जी। उसके बाद यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हो 42, यहाँ पे 92 पेज का जी हाँ। और यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, कैसे आपको फिल करना है, कैसे अप्लाई करना है। स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट यहाँ पे डिफाइन की गई है, और पोस्ट से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट और नेम ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो ये आप पूरा चेकआउट कर सकते हो जी हाँ। उसके बाद असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है पोस्ट के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट वाइज आप जो भी रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी वाइज आप पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं जी। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद मोड क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे नॉलेज टेस्ट और उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू, उसी के बेसिस पर यहाँ पे दिया जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट है, सेकेंड यहाँ पे नॉलेज टेस्ट, और लास्ट है वो वाइवा या इंटरव्यू जी, उसी बेस पर। उसके बाद पे स्केल के बारे में बताया गया है, वो आप पूरा चेकआउट कर सकते हो। और नोटिफिकेशन रीड आउट करने के बाद आप जो इनकी एप्लीकेशन या रिक्रूटमेंट लिंक है यहाँ पर आके आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप पोस्ट से जुड़ी जो भी बेसिक डिटेल है ले सकते हैं, उसके बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो आज के लिए इतना ही था। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।